राजस्थान के बारा छिपा अपडौत कस्बे के गढ़ी चौक में संचालित महात्मा गांधी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्राओं ने मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। उसके बाद कस्बे के दानमल सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के गेट पर पहुंचकर भी छात्रों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर रोड पर बैठ गईं और नारेबाजी करते हुए उपखंड मुख्यालय पर पहुंची, जहां पर छात्राओं ने बताया कि स्कूल में स्टाफ की पहले से कमी होने के बाद भी कुछ और शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं छात्राओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षक परेड के समय भी क्लास में पढ़ाने की बजाय मोबाइल फ़ोन को चलाने में व्यस्त रहते हैं और छात्राओं के टोकने पर टीसी काटने की धमकियां भी देते हैं। करीबन 3 घंटे तक नारेबाजी कर प्रदर्शन चलता रहा। छात्राओं ने राजकीय दानमल उच्च माध्यमिक विद्यालय के गेट के सामने मुख्य मार्ग भी जाम कर दिया। थानेदार रविंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं को समझाया और जाम खुलवाया और गेट का ताला खोला, शिक्षण कार्य प्रारंभ करवाया। हमने जो छात्राएं यहाँ आई थी उनको ये बताया कि भाई जो राजस्थान में सभी जगह अध्यापकों की कमी चल रही है, अभी जो बीच में स्थानांतरण हुए उस कारण से अब हम माँ शिक्षा विभाग से मिलकर व्यवस्था कर रहे हैं और गेट्स फैकल्टी या कुछ विशेष पेंशनर्स टीचर्स है इनकी व्यवस्था करके ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को समझाया कि भाई कल हम पूरी व्यवस्था आपके जो भी विद्यालय में जो विषय खाली चल रहे हैं टीचर्स उनकी व्यवस्था के लिए हम सीबीओ से और सभी से मिलके हम व्यवस्था करेंगे और आप इस तरह से मतलब ये जो कानून कर रहे हैं इसकी जगह आप केवल एप्लीकेशन दो और हम उसको आगे करके व्यवस्था करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।